राजस्व में गांव शामिल नहीं होगा तो होगा चुनाव बहिष्कार, गांव में लगाए बैनर। यूपी के रामपुर की शहाबाद तहसील क्षेत्र के एक गांव में विकास न होने के कारण व अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा अब चुनाव बहिष्कार का कारण बन गया है। ग्रामीणों ने गांव के दोनों ओर चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा दिए हैं और ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। गुलड़िया खुद एक ऐसा गांव जिसे ना तो शहाबाद तहसील में गिना जाता है और ना ही मिरक तहसील में माना जाता है। अब से लगभग कई वर्ष पूर्व गुलड़िया खुद गांव शहाबाद तहसील में आता था और सन 1995 में यहां के राम प्रसाद पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद बाढ़ आ जाने के कारण ये गाँव अपनी जगह से लगभग 200 मीटर दूर जगह पर आकर बस गया। क्या नाम है आपका? नौनी राम। नौनी राम जी, कोई वृद्ध पेंशन आपको या कोई पेंशन का योजना का लाभ मिला आपको? कोई लाभ नहीं मिला। आपने कोई इसकी कार्रवाई करी आगे कहीं? कार्रवाई साहब वो कह देते हैं शहाबाद वाले, मिलक जाओ मिलक वाले कह देते हैं शहाबाद जाओ, फिर क्या करें? अच्छा, इस बार वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे आप? हाँ हाँ बेटा देवी। क्या आप लोग यहाँ सब गांव वाले एकत्र कैसे हुए, क्या मामला? मामला ये है, वोट लेने के लिए सब आते हैं और सुविधा कुछ नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? कोई चीज की नहीं, नहीं लैटरिन, नहीं बाथरूम, नहीं जो मकान का उमा है, ना दुकान है, कमाओ और खाओ। अच्छा हाँ, सड़कें पड़ी हुई है आपके गांव में? सड़क जो ही सड़क है खरंजा पर है टूटे भाई, सब नाली टूटी पड़ी। चलो हम अपने गेट दिखा में कैसे गंदो पर हो, वहाँ पर टूटी टाटी नाली पड़ी है, काहे की परेशानी? वोट लेन सब आओ पर देखन कोई ना होता कि परेशानी है कि धोखा की मुसीबत है। ये गांव आपको किस क्षेत्र में कहाँ लगता है? शहाबाद। ना जो ना मिलक में है ना शहाबाद में है, कहीं नहीं लगता ना। आपने इस चीज की शिकायत कभी उच्च अधिकारियों की, बड़े अधिकारी को? अरे अधिकारी के यहाँ नहीं करी, कारदाई बहुतेरी करी जो रोड की भाई, कोई सुनवाई ना भाई। आपने क्या सोचा है? अब जो सोचो हमारा गाँव अलग हुई जब चुनाव, आप वोट डालेंगे? आपने लगा रखा है कि हम चुनाव ना तो वोट नहीं डालेंगे हम, ना वोट डाले ना पोलियो पे हम। अच्छा, पोलियो में निकलेंगे ना? कोई काम नहीं करेंगे, जो हमारे गांव में ना है काम तो हम करेंगे का? ये बताओ हर बात की। आपका गांव किस तहसील में लगता है? मिलक। और जो आपका पड़ोसी गाँव है यहाँ पर, इस गाँव में चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, क्या मामला है इसका? ये सामने लिंक किया गया है, उसमें ये प्रधानमंत्री वाले 6,000 जो किस्त आ रही थी जी, उसमें नहीं शामिल किया। ये दरअसल ये शहाबाद का गांव है। अच्छा, गुलड़िया खुर्द जो शहाबाद में था पहले जी, अब कट चुका है तो इस ग्राम पंचायत में एडजस्ट कर दिया, लेकिन इनका पोर्टल पे यहाँ नहीं है मिलक में। क्या नाम है इस गांव का? इसका गुलड़िया खुर्द। अच्छा, ये मिलक में, मिलक वाले कहते हैं शहाबाद में? हाँ, ये है शहाबाद में। अच्छा, शहाबाद वाले बता रहे ग्रामीण के, शहाबाद वाले कहते हैं कि मिलक में है? नहीं, शहाबाद वाले कहते हैं ये गैराबाद है। गैराबाद है जी। एक मरम्मत कराया है और ये 2011 के 5 आवास बनवाए हैं और शौचालय बनवाए हैं, करीब 50 शौचालय उसी गाँव बने। फिर भी जो सरकारी योजना है उससे तो ये लोग वंचित है ना? हाँ, उनसे वंचित है। ये दरअसल इस चक्कर में कि इनका गाँव ना तो उधर शामिल है ना इधर शामिल है, यही कारण। हाँ यही है। ये गुलड़िया खुर्द का क्या मामला है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का? ये गुलड़िया खुर्द के कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम तो वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे मतदान का जी। तो मैं स्वयं ही वहाँ के संबंधित लेखपाल और अपनी टीम के साथ गया और वहाँ गाँव वाले से बात की कि आखिर क्या वजह है, आप तो क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं? तो उन लोगों की कुछ वजह थी ऐसी कि जो पहले गांव था ये गुलड़िया खुर्द, ये शहाबाद तहसील में था जी, लेकिन उसके बाद वहाँ रामगंगा के किनारे है वो गांव कट गया, तो इनको किसी दूसरे गांव में इन लोगों को बताया गया और वो जो क्षेत्र है मिलक में लगता है, मिलक तहसील जी। तो ये बीच में इन लोगों की ज़मीनें सब शहाबाद में हैं और जो बसाए गए हैं ये लोग मिलक में हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम बनती रही कि इन लोगों को योजनाओं का लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो उस वजह को समझा गया और उन लोगों के जो संभव हम लोगों ने बताया कि ये संभव इस तरीके से हम करेंगे और आप लोगों को जो संभव होगा आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा आप, और उनकी मांग थी कि शहाबाद में इस गांव को शामिल कर दिया जाए। हमने कहा उस संबंध में भी आप लोगों के जो प्रत्यावेदन दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, उस पर भी हम आगे कार्रवाई नियमानुसार कराएंगे।